घरगुती गॅस सिलेंडर दरवाढीचा पुन्हा एकदा झटका बसलेला आहे. गेल्या 3 महिन्यात सतत होणाऱ्या दरवाढीनं सुमारे 100 रुपयांनी गॅस महागलाय. गेल्या वर्षभराची तुलना करायची झाल्यास सिलेंडरच्या दरात तब्बल 291 रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबाचं महिन्याचं आर्थिक बजेट हे कोलमडलंय. त्यामुळे राष्ट्रवादीनं केंद्र सरकारचा निषेध केलाय. बीडमध्ये देखील राष्ट्रवादीनं अनोखं आंदोलन करत महागाईचा निषेध केलाय. महिला राष्ट्रवादीच्या राज्य उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट हेमा पिंपळे यांनी चक्क गॅस आणि सिलेंडर टाकीचं नदीत विसर्जन करत मोदी सरकारमुळे महिलांना परत चुलीकडे वळावं लागतंय असं म्हणत निषेध केलाय. गॅस सिलेंडरचे वाढते दर, पेट्रोल डिझेलनं पार केलेली 100 या सर्व महागाईच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आलंय. यावेळी केंद्र सरकार विरोधात घोषणाबाजी देखील करण्यात आली आहे. सातत्यानं गॅस दरवाढ करून सर्वसामान्य महिलांच्या डोळ्यात पाणी आणणाऱ्या मोदी सरकारचं देशातील महिला 2024 विसर्जन करतील असा इशाराही पिंपळे यांनी मोदी सरकारला दिला आहे. जिस LPG घरेलू सिलेंडर का भाव UPA सरकार के कार्यकाल में 414 रुपये तक सीमित था, वही भाव उज्ज्वला मोफत गैस कनेक्शन का गाजर दिखाते हुए और एक बार ही सब्सिडी देने के बाद सब्सिडी बंद करते हुए वही भाव पूरे जग भर में पेंडेमिक जैसी महामारी आने के बावजूद भी लॉकडाउन की वजह से हमारे देश भर की सर्वसामान्य लोगों का आर्थिक बजट गिर जाने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी सरकार जिस सर्वसामान्य महिलाओं के मतों पे चुन के आई है और सरकार चला रही है वही महिलाओं के आंखों में पानी लाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने 414 से 1000 तक घरेलू सिलेंडर का भाव बढ़ाते हुए किया है. इस सरकार ने अभी हाल ही के बजट में और 1 कोटि गैस उज्ज्वला गैस के कनेक्शन हम मुफ्त देने वाले हैं ऐसा ऐलान किया है. वो सिर्फ महिलाओं को झूठा आश्वासन है और यही महिलाएं अब 2024 को गैस सिलेंडर और जो घर में चीजें लगती है औरतों को उनका भाव चढ़ाने का जो अपराध नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है वो अब वही अपराध की शिक्षा 2024 को नरेंद्र मोदी का सरकार गिराकर महिलाएं चुकाएंगी. अब सर्वसामान्य महिलाओं के आंखों में आंसू लाने वाले नरेंद्र मोदी सरकार का निषेध और धिक्कार करने के लिए हमने राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की तरफ से आज बीड़ में बिंदुसरा नदी में गैस सिलेंडर और गैस की शेगड़ी का विसर्जन करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार का निषेध किया है. ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, बीड़.